थैंक यू सो रोहन जी, हरगुन जी एंड प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 5,000 पुरानी साल पुरानी सभ्यता, 325 भाषाएं, 1652 बोलियां, 18 ऑफिशियल लैंग्वेज, वो धरती जिसने हिंदुइज्म दिया, वेद दिया, बौद्धिज्म दिया, बुद्ध जहां पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, नानक पैदा हुए, इन सब की धरती, कबीर रैदास की धरती, धरती जो दुनिया की सबसे पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशन है। और भारत शब्द का अर्थ ही बच्चों, भा मतलब उच्च साधना, रत मतलब इन्वॉल्व, जो जमीन बड़ी गहरी साधना में रत रही हो वही भारत है। और आज इतना खूबसूरत स्थापना ने 26 जनवरी के दिन इस प्रोग्राम को चुना है। और इस प्रोग्राम में आप लोगों को कहा गया, जैसा हमें बताया गया, कि भारत के जो लॉस्ट बिजनेसेस हैं उसके बारे में आप रिसर्च करें। शब्द भी सही है, रिसर्च, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कहीं घूम से गए हैं। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के जो पहले उद्योग मंत्री थे उन्होंने अपने सचिव को बुलाया अपने कैबिन में, पहले पहल आए वो, और सचिव को देख कहा कि ये जरा देखो तो मेरे इस कैबिन को, इससे पहले तो अंग्रेज ही बैठा करते थे उसमें, मुझे बताओ कि इस कैबिन में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अपनी हैं, भारतीय हैं। तो सचिव ने कहा कि सर, जिस टेबल पे आप हाथ रख के खड़े हैं या आप टिके हैं, उसकी लकड़ी शुद्ध सागौन की है और भारतीय है, पर जिस मशीन ने इस लकड़ी को काट के फर्नीचर का रूप दिया वो इंपोर्टेड है मशीन। सर, आपके ऊपर जो पंखा घूम रहा है हवा से, उसका लोहा बेलाडीला की खदानों का है, शुद्ध भारतीय है, पर जिन मशीनों ने उस लोहे से पंखे को बनाया है वो विदेशी है। जिस कारपेट पे पैर रख के आप खड़े हैं, उसका पूरा मटेरियल, उसका कॉटन, उसका सिल्क, पूरा उसका मटेरियल भारत का है, पर जिस मशीनों ने उसको बनाया है वो सब विदेशी है। यह भारत की स्थिति थी जब हम आजाद हुए। सब कुछ हमारा था, सारा रॉ मटेरियल हमारे पास था, पर फिर भी हम डिपेंडेंट थे। आप हजारों साल पुरानी सभ्यता, 5,000 साल पुरानी सभ्यता, इवन जब गुप्ता एज था, मौर्यन एज था, भारत सोने की चिड़िया थी, उस समय के तो एग्जैक्ट आंकड़े मिलते भी नहीं हैं, पर जहां से मिलना भी प्रारंभ होते हैं, जब जीसस पैदा हुए थे यरूशलेम में, वहां से भारत के पास लगभग आंकड़े हैं भी। लाइक 1 AD में 33% वर्ल्ड ट्रेड भारत से होता था, एक तिहाई दुनिया में। अगर 10 रुपए खर्च होते थे व्यापार पे तो उसमें से 3.5 रुपए भारत में खर्च होते थे, इस हद तक रिचनेस थी। और ये कब तक कायम रही? 1000 AD तक 29% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड भारत का था, स्टिल फर्स्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 1500 AD 24% हो गया, इट वॉज सेकेंड इन द वर्ल्ड, चाइना ने सुपर सीड किया 1500 AD। 1600 AD स्टिल इट वॉज 27.5% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड। आज भारत का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा 2-3% होगा, और आज देख लीजिए भारत कितना मजबूत देश दिखता है। 2-3% ग्लोबल ट्रेड के बाद हिंदुस्तान इतना मजबूत देश है, आप कल्पना कर सकते हैं, 33%, 33%। सन 1600 तक भी ये मेंटेन रहा, 27.5% रहा। सन 1700 में भी, 1707 औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, 24.4% 1700 में भारत का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा था। इस कदर मजबूत ये हिंदुस्तान रहा है, ये भारत रहा है। लगभग जब से ये धरती बनी है तब से सन 1700 तक ग्लोबल ट्रेड में फर्स्ट हिंदुस्तान था, वर्ल्ड इकोनॉमी में। उसके बाद अंग्रेजों का आना हुआ। अंग्रेजों के आने में एक मूल अंतर यह था, उन्होंने कभी
भारत को अपना घर नहीं माना, ना वो बसे, ना उन्होंने बसने की कोई चेष्टा ही की। उन्होंने हमेशा हिकारत से हिंदुस्तान को देखा। तीन बड़े परिवर्तन किए भारत के बिजनेस को चौपट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लूटना था। पहला, जमीन जो हमारी माता मानी जाती है भी, हम तो मातृभूमि कहते हैं। आपको जान के बच्चों आश्चर्य होगा, 5000 साल की सभ्यता के इतिहास में हिंदुस्तान में जमीन कभी बेची नहीं गई थी। लैंड वॉज नॉट अ सेलेबल प्रॉपर्टी। इवन नॉट ओनली दैट, टैक्स पंचायत देती थी। इट वॉज नेवर एन इंडिविजुअल इनकम टैक्स एवर इन इंडिया बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। इट वॉज अ कम्युनिटी टैक्स, पूरी पंचायत एक साथ देती थी। और तीसरा, टैक्स वॉज नेवर गिवन इन कैश बाय फार्मर्स, हमेशा वो क्रॉप में टैक्स देते थे, कैश नहीं देते थे फार्मर्स। ये तीन परिवर्तन करके उन्होंने इंडियन बिजनेसेस को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे हो ये बर्बाद? शॉर्ट में एक एक लाइन हम तीनों पे कहें आपको। पहला, जब लैंड का प्रॉपर्टी बना दिया गया, लैंड प्रॉपर्टी है, तो मेरा लैंड और रमेश का लैंड अलग अलग हो गया, सतीश का लैंड अलग हो गया, अब सबके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी हो गई लैंड की। अब दूसरा, जब इंडिविजुअल टैक्स की हो चालू हो गया, तो हुआ यह कि मान लीजिए मेरी फसल इस साल चौपट हो गई, तो मैं टैक्स दे नहीं पाया, तो मेरे ऊपर साहूकार का उधार चढ़ गया। मैंने साहूकार से उधार लेके कैश में टैक्स दिया लोगों, अंग्रेज सरकार को, क्योंकि अब मुझे कैश में टैक्स देना जरूरी था। पहले मैं फसल ही दे देता था, अगर फसल नहीं होती थी तो मैं नहीं देता था। एक और बड़ा अंतर, टैक्स अंग्रेजों के बाद, ये गौर से सुनिएगा, जमीन पे लगना चालू हो गया, ना कि क्रॉप पे। प्लीज ध्यान दीजिए, क्रॉप पे टैक्स नहीं लगेगा, जमीन पे लगेगा। इसका मतलब अगर तुम्हारी फसल चौपट भी हो गई तो भी टैक्स लगेगा ही। इस कारण हिंदुस्तान का किसान बर्बाद होना चालू हुआ, क्योंकि फसल नहीं भी हुई तो भी टैक्स तो देना है, और वो भी कैश में देना है। तो क्या करेंगे? साहूकार से कैश उधार लेंगे और टैक्स देंगे। इससे लोन बढ़ गया किसानों पर, किसान बंधुआ मजदूर बन गए, हमारे अन्नदाता बंधुआ मजदूर बन गए। दूसरा, एक और अंतर हुआ, मेरी फसल अच्छी हुई, पड़ोस वाले की फसल अच्छी नहीं हुई, तो मेरे घर दिवाली बनेगी, उसके घर नहीं बनेगी। पहले ऐसे कभी नहीं होता था, या तो पंचायत टैक्स देगी या नहीं देगी, बीच में नहीं होता था। या तो दिवाली हर घर में बनेगी या किसी घर में नहीं बनेगी। पर अब इंडिविजुअलाइजेशन शुरू हुआ, तेरे घर में दिवाली होगी, मेरे घर में नहीं होगी। इस तरह से इंडिविजुअलाइजेशन चालू हुआ, बंधुआ मजदूर बनने लगे किसान। और अगली सबसे खास बात, चूंकि कैश क्रॉप, अब कैश में टैक्स देना पड़ेगा, क्रॉप नहीं दे सकते आप टैक्स में, तो किसान को अपने अनाज को बेचना पड़ता था और फिर मुद्रा लाके देनी पड़ती थी। जब फसल होती थी तो बड़ी महंग, बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, जब उत्पादन ज्यादा होता था तो फसल सस्ती ही होती थी, सस्ते में किसान बेचता था। फिर अपनी ही फसल को कई बार उसको खाने के लिए खरीदना पड़ता था, भूखे मर गए किसान। ये इस कदर हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बोलते समय हमारे रोंगटे खड़े होते हैं जब हम उसे बोलते हैं। सन 1600 में ब्रिटेन जब भारत में आया, उसका ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा था 1.5% और भारत का था 27.5%। कैन यू इमेजिन दैट? एक देश जिसका ग्लोबल ट्रेड में 27.5% है और एक देश जिसका केवल 1.5 और 1.8% है, उसने उस देश को गुलाम बना लिया। और सन 1940 में जाकर ब्रिटेन का ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा हो गया 10% और हिंदुस्तान का बचा 3%। 200 साल तक लूट कर दिया। सन 1900 से 1947 तक तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 0% था। कैन यू इमेजिन जस्ट 0%? इन्होंने शुरुआत की कपड़ा उद्योग को बर्बाद करके। हिंदुस्तान में इतना कॉटन, इतना कपड़ा प्रोड्यूस किया जा सकता था, पूरी दुनिया भर में बहुत डिमांड थी। इनफैक्ट जहाज यहां से भर भर के जाते थे माल से, और वहां से पैसे से भर भर के लौटा जाते थे, इसलिए तो भारत इतना अमीर था। अंग्रेजों ने पूरा उल्टा कर दिया, जो एक्सपोर्ट था उस पर इनफाइनाइट टैक्स लगा दिया, तो भारत के माल बड़ा महंगा हो गया विदेश में। इंपोर्ट फ्री कर दिया, इंपोर्ट कंपलसरी कर दिया, विदेशी माल आने लगे। उन्होंने मशीनें ला दी, मशीनें सस्ता बनाती थी, हथकरघा महंगा बनाता था, तो वैसे ही भारत का माल अब कोई नहीं खरीदता था, टैक्स ज्यादा होता था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बोलते थे, आपको सुन के आपका खून खौल जाएगा, सूती कपड़ों के बुनकरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी हिंदुस्तान में जब हमने अपनी नीतियां लागू करी, मर गए वो भूखे। ढाका की मलमल इतनी, ये अंगूठी आपको हमारी उंगली में दिख रही है, ढाका की मलमल इतनी सॉफ्ट होती थी
कि उसकी रजाई इस अंगूठी के बीच में से निकाली जा सकती थी और उसको ऐसे उड़ा दो आप रजाई तो ऐसा लगता था जैसे कोई धुआं उड़ा हो, इतनी सॉफ्ट होती थी। आप जेब में रख लीजिए चार रजाइयां। ढाका में ये कारीगर कई लाख में थे, जनसंख्या 1760 में, 1820 में जाके केवल 50,000 जनसंख्या बची। भारत का जो एक्सपोर्ट था वो इनफाइनाइट था, पर अब स्थिति ये हो गई, एक्सपोर्ट टू भारत चालू हो गया। एक्सपोर्ट टू भारत पहले बिल्कुल मिनिमम था, ब्रिटेन से हमें कुछ नहीं चाहिए, वो थंदा देश है, हमें क्या चाहिए था, हमें कुछ नहीं चाहिए था, उनको हमसे सब कुछ चाहिए था। पर गौर से सुनिए, पहले भारत का एक्सपोर्ट कुछ नहीं था, भारत में एक्सपोर्ट ब्रिटेन से कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे ब्रिटेन से भारत में सन 1830 में 60 करोड़ गज कॉटन आया, सूती कपड़ा आया, और 1870 में जाके 1 अरब गज कपड़ा इंपोर्ट किया गया। 35 करोड़ जनसंख्या और 1 अरब गज कपड़ा हमने मंगा लिया। कौन पहनेगा इतना कपड़ा, हर व्यक्ति पे 3 गज। अंगूठे काट दिए गए इन कारीगरों के। ग्लोबल एक्सपोर्ट भारत का 27% से गिर के 2% हो गया। स्थिति इस कदर हिंदुस्तान को लूटा कि हर साल लगभग 2 करोड़ पौंड लूट के अंग्रेज लेके गए। आप ये कल्पना कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनीज के जो डायरेक्टर्स थे वो मेजॉरिटी ऑफ द यूरोप के राजाओं से अमीर हो गए, इतना लूटा हिंदुस्तान को। मतलब एक एक डायरेक्टर वो सो रिच कि यूरोप के राजा जो दुनिया भर से लूट रहे थे उनसे रिच हो गए। रॉबर्ट क्लाइव जब अपना टेन्योर खत्म करके हिंदुस्तान से गया तो ये यूरोप का सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया। भारत में जिसकी पोस्टिंग होती थी इंडियन सिविल सर्विसेज में, कहा जाता था भारतीय नवाब है। यह स्थिति हिंदुस्तान की उन्होंने छोड़ के गए। बट याद रखो, जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो जमाने में हमेशा खड़ा रहता है। पर हम फिर खड़े हो गए, जैसे फिनिक्स पक्षी अपनी राख से खड़ा होता है, जैसे बरगद अपनी जड़ों को फिर डालता है। आज हम फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का यंगेस्ट नेशन है। इसीलिए आज आप लोगों के ऊपर ये दारोमदार है कि इस देश को फिर से खड़ा करें। और ये देश हमेशा खड़ा होता आया है, वेदों ने खड़ा किया, फिर उपनिषद ने खड़ा किया, बुद्ध ने खड़ा किया, महावीर ने खड़ा किया, चंद्रगुप्त ने खड़ा किया, चाणक्य ने खड़ा किया, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने, आदि शंकराचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, माधवाचार्य ने, कबीर ने, महाराणा प्रताप ने, भामाशाह ने, स्वामी विवेकानंद ने, कितने लोग हुए। और अभी आप में से भी कुछ लोग होने वाले हैं, शायद ये मोइज़ बिन असद हो, शायद अभिषेक हो, शायद खुशी हो, हम में से ही कुछ लोग फिर से इसको खड़ा करेंगे। और हमें याद आता है 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उस क्रांति में अंग्रेज रेजिडेंट पहुंचा बहादुर शाह जफर के पास और उसको हथकड़ियां पहना दी और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहा, बलबले में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफर अब देख ली है तेग हिंदुस्तान की, कि तुम्हारी तेग तलवार की धार देख ली है, कुछ दम नहीं है तुम में। वो बेचारा बूढ़ा बहादुर शाह जफर ने एक बात कही थी, वो आज की युवाओं के लिए बिल्कुल लागू होती है। उन्होंने कहा था, गाजियों में जब तलक बू रहे ईमान की, गाजी मतलब वतन पर मरने वालों पर, जब तलक बू रहे ईमान की, सुगंध रहेगी ईमान की, ईमानदारी की, गाजियों में जब तलक बू रहे ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, वहां तक चलेगी। फाइनली गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ऐसे महान नेता हुए जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई और अब आपके हाथ में इस देश की बागडोर है। आखिरी में एक छोटी सी बात से हम अपनी बात खत्म करेंगे। एक लकड़हारा था दोस्तों, वो एक ध्यान में मग्न साधु के आसपास लकड़ियां काटता था। ये बीसियों साल से चलता रहा, साधु ध्यान में रहा, लकड़हारा लकड़ियां काटता रहा। एक दिन अचानक साधु ने आंखें खोली और लकड़हारे को ऐसे इशारा करके कहा, आगे जाओ। लकड़हारा को समझ में नहीं आया उसने क्या कहा, साधु ने फिर से आंखें बंद करके ध्यान में चला गया। लकड़हारे ने कई बार पूछा पर साधु ने कुछ कहा नहीं। लकड़हारा रात भर सोचता रहा, 20 साल में साधु कुछ बोला नहीं, आज क्या बोल दिया इसने, कुछ तो बात में दम होगा। अंततः लकड़हारे ने यह सोचा, मैं अनपढ़ गवार हूं, आगे जाने का मतलब होगा होता ऐसे पैरों से चल के आगे जाऊं। तो अंततः लकड़हारा ऐसे पैरों से चल के आगे। हां जी सर। उस दिन लकड़हारे ने साधु को
पैर छुए और बोला आपकी बात मान के आज मैं आगे जाता हूं, तो पहली बार लकड़हारे ने काटा नहीं लकड़ी, आगे बढ़ा। 5-7 किलोमीटर आगे गया तो जो लकड़हारे ने देखा वो देख के जोर जोर से हंसा, फिर फूट फूट के रोया, क्योंकि 7 किलोमीटर आगे लकड़हारे ने देखा कि वहां चंदन के जंगल थे। वो जोर जोर से हंसा क्योंकि अब वो चंदन काटेगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी, पर वो फूट फूट के रोया कि 20 साल से यूं ही झकमार रहे थे। कोई आके बता देता कि थोड़ा आगे जाओ तो आगे चले जाते, 20 साल जीवन के बर्बाद कर दिए। बहरहाल उसने चंदन काटी, लकड़ियां बेची, हुआ अब बहुत अमीर बन गया था। कई महीनों चंदन काटता रहा पर आज भी साधु ने आंखें नहीं खोली थी। एक रात उसको याद आया, यार साधु ने ना मेरा धन्यवाद लिया ना आंखें खोली, आज भी साधु का अंतिम शब्द था आगे जाओ। उसने एक दिन निर्धारित किया कि मैं अब आगे जाऊंगा, अब मैं चंदन नहीं काटूंगा। उस दिन उसने चंदन काटने से मना किया और आगे लेके गया कुल्हाड़ी। कुछ आगे गया तो अब तो ना वो हंस सका ना रो सका, उसने आगे देखा वहां चांदी की खदानें थी। पर अब उसे समझ में आ रहा था लकड़हारे ने शायद साधु ने कहा क्या था। वो चांदी काटने रुका नहीं, वो और आगे बढ़ा। थोड़ी आगे गया तो उसने देखा कि वहां सोने की खदानें थी। वो वहां भी नहीं रुका, उसके हाथ सूत्र लग गया था। वो और आगे गया तो उसने आगे देखा कि वहां हीरों की खदानें थी, पर वो लकड़ी लेके हीरा काटने भी नहीं रुका और आगे गया। और आगे बढ़ते बढ़ते उसकी जिंदगी में वो मकाम आया कि वो स्वयं हीरा बन गया और आज दुनिया उसे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जानती है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानती है, भगत सिंह के नाम से जानती है, विवेकानंद के नाम से जानती है। ये कौन लोग हैं दोस्तों? ये वही तो लोग हैं जो रुके नहीं, चलते रहे। आप भी जब जिंदगी में अच्छा करोगे, आप शायद चंदन काटने लोगों पर वहां रुक मत जाना और आगे बढ़ना। चांदी मिलेगा, सोना मिलेगा, हीरा मिलेगा, और जब वहां भी नहीं रुकोगे तो स्वयं हीरा बनोगे। हिंदुस्तान आपको याद रखेगा और जिन लोगों के नाम हमने आपको गिनाए उनमें आपका नाम भी शुमार होगा। इसलिए संस्कृत में एक शब्द है चरावेति चरावेति, चलते रहो चलते रहो। पर कई लोग उसको गलत समझते हैं, उनको लगता है चरते रहो चरते रहो, तो चरते नहीं रहना है, चलते रहना है। स्थापना को हमारी खूब शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और रोहन आई फील सो प्राउड ऑफ यू, इस तरह के और आयोजन करते रहिए। हरगुण बहुत अच्छा आपने प्रयोग आयोजन किया, हम आप सबको एक दो बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी मोटिवेटिंग टू हैव यू हियर। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।